बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बेकरी स्टाइल चिकन चीज़ रोल। बहुत ही टेस्टी, बहुत ज़्यादा यमी बनता है। तो आइए देखते हैं इसे किस तरह से बनाना है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और मेरे बेल की नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें। इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो यहाँ पर हम लेंगे 3/4 कप है दूध। तो ये थोड़ा सा गुनगुना है, थोड़ा सा हल्का गर्म है। उसमें हम डेढ़ टीस्पून डालेंगे ईस्ट, और डेढ़ टीस्पून हम इसमें 2 टीस्पून डालेंगे शक्कर, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको 10 मिनट के लिए साइड में रखेंगे, जब तक कि ईस्ट हमारा अच्छे से एक्टिवेट नहीं हो जाता। क्योंकि अगर ईस्ट अच्छे से एक्टिवेट नहीं होता है तो जो ये रोल है ये अच्छा नहीं बनता है। तो 10 मिनट बाद हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो गया है। तो फिर हम पहले हम लेंगे 2 कप मैदा। तो मैदे को छान के लेना है। फिर हम इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे, और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून तेल। और ये जो हमारा जो ईस्ट वाला मिक्सचर था, ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ईस्ट एक्टिवेट हो गई है। तो ये पूरा डाल देना है, और फिर इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल के इसका थोड़ा नरम आटा लगाएंगे, और पानी हल्का गरम लेना है, नॉर्मल पानी नहीं लेना है। थोड़ा सा गरम पानी रहेगा तो ये बहुत जल्दी से सेट हो जाएगा आटा, और इसको बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इस तरह से इसको गूंद लेना है। जब आटा अच्छे से गूंद जाए तो इसको 4 से 5 मिनट तक इसी तरह से नेट करेंगे। तो आपने बस ध्यान इस बात का रखना है कि आटे को सॉफ्ट साइड पे लगाना है। अगर सख्त आटा होगा तो रोल बहुत ज़्यादा हार्ड बनेगा, और जितना आटा हमारा सॉफ्ट होगा उतना रोल हमारा सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा बनेगा। तो ये देखिए आटा 4 से 5 मिनट गूंदने के बाद इसके ऊपर अच्छे से ऑयल लगाना है। इसको कवर करके हम गर्म जगह पर रखेंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए, जब तक कि ये वॉल्यूम में डबल नहीं हो जाता। फिर यहाँ पर स्टफिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून तेल को गर्म करेंगे। जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन है बिल्कुल बारीक कटा हुआ, 7 से 8 लहसुन को बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है, और फिर वो ऐड करेंगे। उसी के साथ हम इसमें प्याज भी ऐड करेंगे। 1 बड़े साइज़ की प्याज है बिल्कुल बारीक चॉप की, जिस तरह से हम ऑमलेट में डालते हैं वैसी कटी हुई प्याज है। और प्याज को डालने के बाद उसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे पकाएंगे, जब तक कि प्याज अच्छे से पिंक कलर की नहीं हो जाती। तो यहाँ पर देखिए प्याज अच्छे से पिंक हो गई है। तो हम इसमें 2 टीस्पून डालेंगे मैदा। तो ये देखिए इस तरह से मैदा डालना है, और इसको भी अच्छे से भुनना है। तो 1 से 1.5 मिनट तक इसे इसी तरह से भुनेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए जब मैदा अच्छे से भुन जाए तो फ्लेम को मीडियम रखना है ताकि मसाले जले नहीं। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बस ये सब कुछ अच्छे से जब मिक्स हो जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे दूध। तेल थोड़ा इसमें कम लग रहा था तो मैं थोड़ा सा तेल और डाली थी। ये देखिए बहुत ज़्यादा रुखा रुखा लग रहा है, तो थोड़ा सा तेल डालना है और इसको भूनना है ताकि ये मसाला अच्छे से भुन जाए। तो इस मसाले को भूनते टाइम फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, नहीं तो ये ड्राई मसाले बहुत जल्दी से जलने लगते हैं। बस 1.5 से 2 मिनट में ये मसाला जब अच्छे से भुन जाएगा तो हम इसमें दूध शामिल करेंगे। तो 3/4 कप दूध लेना है, रूम टेम्परेचर का दूध है ये, बॉईल करके ठंडा किया हुआ दूध। तो ये दूध अच्छे से डालेंगे और फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे और इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे। फिर हम इसमें शेड किया हुआ चिकन डालेंगे, 1 कप के बराबर है बॉईल करके शेड किया हुआ चिकन है, और बस इसको मिक्स करते जाएंगे। तो जैसे जैसे ये पकते जाएगा ये ठीक होता जाएगा। तो ये देखिए ठीक हो रहा है। तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आप हरी प्याज या फिर शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। तो ये बस स्टफिंग हमारी बनकर तैयार है। इसको बस निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसको ठंडा होने देंगे। तो आटा यहाँ पर देखिए अच्छे से राइस हो गया है। तो 2 घंटा लगा इसको आटे को जो कंसिस्टेंसी थी उसके डबल होने में। तो यहाँ पर देखिए इसको सरफेस पे निकालेंगे और थोड़ा सा इसको चिकना कर लेंगे।
ये देखिए, फिर थोड़ा सा सूखा मैदा लगाएंगे और बस इसको जितना बड़ा आपने रोल बनाना है उतने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेना है। तो बस ये देखिए, इस तरह से इसको पहले गोल करेंगे लोई को, और जिसमें हमने बेक करना है इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और ब्रश ऑयल ब्रश करेंगे, सब तरफ ऑयल अच्छे से लगा लेना है। तो बस ये देखिए, बनाना स्टार्ट करेंगे। तो एक लोई लेना है और इसको सिंपली बेलना है रोटी की तरह। तो बस थोड़ा सा रोटी से इसकी थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, थोड़ा सा मोटा बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। तो ये देखिए, इस तरह से बेल के एक तैयार करेंगे और थोड़ा सा अवल शेप में बेलना है। और यहाँ पर हम किनारे स्टफिंग रखेंगे। तो और आपने जो भी चीज़ आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, प्रोसेस चीज़ या फिर मोज़रेला चीज़, आपको जो भी चीज़ पसंद हो वो डालें। और चीज़ की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर किनारे पे थोड़ा सा पानी लगाना है, इसको इस तरह से पैक कर देना है और इस तरह से सारे रोल बना कर रखते जाएंगे इस तरह से हम बेकिंग ट्रे पे। सारे रोल बनकर तैयार हैं। तो फिर हम एक अंडा लेंगे, उसको अच्छे से फेंट लेंगे और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। फिर जाके इसको अंडे को फेंटेंगे और इसके ऊपर ब्रश करेंगे सारे रोल के ऊपर। ये देखिए इस तरह से। और इसके ऊपर तिल या फिर आप कलौंजी, अगर आपको पसंद हो तो कलौंजी भी लगा सकते हैं, उससे ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और टेस्ट में भी अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सफ़ेद तिल है वो थोड़ा सा स्प्रिंकल करूँगी, इससे देखने में रोल बहुत ही अच्छा दिखता है। और थोड़ा सा ऑरिगेनो भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह से। फिर इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे 25 से 30 मिनट के लिए। और 25 से 30 मिनट बाद देखिए, ज़बरदस्त सा रोल हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसको अच्छे से ब्रश करेंगे बटर से, तो इससे ये जो ऊपर की साइड है ये हार्ड नहीं होगी, सॉफ्ट रहेगी। तो बटर से इसको ब्रश करने के बाद फिर से इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो ये देखिए, इसको कवर ज़रूर करें ताकि ये ऊपर की साइड जो है वो सॉफ्ट रहे। और 10 मिनट बाद ये ज़बरदस्त सा हमारा रोल बनकर तैयार है। तो बस काट के मैं इसको आपको दिखाती हूँ इसका लुक। ये बहुत ज़्यादा यमी, बहुत ज़्यादा चीज़ी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो ज़रूर से ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। तो उम्मीद है चिकन चीज़ रोल की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ। जब तक कि अपना बहुत सा ख्याल रखिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।